भारत धार्मिक आस्थाओं परंपराओं का देश है। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सद्भावना की शक्ति से भारत बनेगा संसार का सिरमौर। सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। भारत अपने आप में महान देश है। संत महात्माओं के द्वारा ज्ञान की अविरल धारा का प्रवाह इस देश में हमेशा होता रहा है। ज्ञान की व्याख्या धार्मिक पुस्तकों में है, वहीं उसका बोध समय समय पर ज्ञानी सद्गुरु महाराज जीवों पर कृपा करके देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा के रेलवे ग्राउंड में आयोजित सद्भावना सम्मेलन की। सद्भावना सम्मेलन में सतपाल महाराज जी के मुख से ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित हुई, जिसको सुनने के लिए पूरा रेलवे मैदान खचाखच भरा रहा। सद्भावना सम्मेलन में जहां सतपाल महाराज के अमृत वचनों का उपस्थित जन समुदाय ने श्रवण किया, वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत भजनों को सुनकर श्रोता आत्मविभोर हो गए। इसके पूर्व पुष्पराज नगर में हंसयोग आश्रम का लोकार्पण किया गया, जिसमें महाराज का कलश व पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। भगवान भी गीता में कहते हैं, जो अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा वो मुझे प्राप्त होगा। जो अंत मता सुगता, हमने स्कूल में हम पढ़ते रहते हैं, बच्चों को पूरे साल भर पढ़ाया जाता है, जो पढ़ते पढ़ते याद रहे, याद करने के लिए बार बार उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। ऐसे जैसे अध्ययन की पुनरावृत्ति होती है, स्कॉलर के स्कूल के कैरिकुलम की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे प्रभु के नाम के सुमरण की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ताकि अंतकाल में हम जब शरीर छोड़े तो प्रभु को प्राप्त हो। अब ये कार्यक्रम हो रहा था, बहुत से लोग तैयारी कर रहे थे कि भाई हमें जाना है, सत्संग में जाना है, जो इसका चिंतन करेगा जाना है, तो ठीक सवेरे के समय आपकी नींद टूटेगी, आपकी उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग।